साथियों नमोबुद्धा जय भीम। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज हम सब लोगों को बुद्ध का मार्ग से चलने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। इस संदर्भ में आइए हम जानते हैं बाबा साहेब अंबेडकर क्यों बुद्धिज्म को लाइक किए। व्हाई आई लाइक बुद्धिज्म, बाबा साहेब कहते हैं मैं क्यों बुद्धिज्म को पसंद किया। आप लोगों का रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूं, ये पेज नंबर 515-516 वॉल्यूम 17 पार्ट थर्ड में मिलता है और ये राइटिंग 155 नंबर राइटिंग है बाबा साहेब का। क्यों इस वर्ल्ड का नॉलेज, द सिंबल ऑफ द नॉलेज, किंग ऑफ द लॉ, क्यों बुद्धिज्म को चुने और उन्हें अच्छा क्यों लगा, क्यों कारण क्या है, ये जानना हम लोगों का बहुत जरूरी है क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है। अभी अभी मैंने बुद्ध पूर्णिमा मनाया, मेरा घर में सब लोगों को बुलाया और मिठाई खाया, अच्छा लगा। बुद्ध क्या है हम सब लोगों को जानना जरूरत है। भारत का इतना बड़ा इंसान जिसको वर्ल्ड मानता है, उन्होंने क्यों बुद्धिज्म को लाइक किए, आइए जानते हैं क्या है। बाबा साहेब यहां कहते हैं 515 पेज में फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा साहेब ये कहते हैं मैं बुद्धिज्म को तीन कारण से पसंद किया। वो तीन कारण, तीन सर्कमस्टेंस क्या है। आज का तारीख में बुद्धिज्म वर्ल्ड में आवश्यकता है, बाबा साहेब उस वक्त कह रहे थे, आज भी इस सही है। वो तीन कारण से बुद्धिज्म को उन्होंने पसंद किए और दूसरे रिलीजन को इन्होंने क्यों पसंद नहीं किए। दूसरे जितने भी रिलीजन भारतवर्ष में है और इस धरती में है, उन्हें वो इसलिए पसंद नहीं किए कि वहां भगवान आत्मा और मरने के बाद स्वर्ग नरक और परमात्मा का बात बताया जाता है जो अनसाइंटिफिक है, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर साइंटिफिक सोच रखने वाले इंसान थे। जिस रिलीजन में भी अनसाइंटिफिक सोच आता है उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर रिसीव नहीं करते थे। तो बुद्धिज्म का साइंटिफिक विचार था, वो तीन कारण क्या है। पहला टीचिंग बुद्धिज्म ये टीचिंग देता है प्रज्ञा, आई मीन अंडरस्टैंडिंग एज एग्नेस सुपरस्टिशन। जब इंसान को प्रज्ञा के बारे में बुद्धिज्म सिखाता है, मतलब इस धरती में रहने वाले तमाम अंधविश्वास कुसंस्कार का खिलाफ इंसान को जिसे डराया जाता है, इनको जानने के लिए मौका देता है बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म में जाता है वो अंधविश्वास कुसंस्कार से आजादी हो जाता है, उन्हें प्रज्ञा जागृत होता है, वो टीचिंग देता है। बुद्धिज्म टीच द प्रज्ञा। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किए, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, इट टीच लॉ एंड कर्मा। ये लॉ के बारे में सिखाता है, इंसान को इंसान की तरह कर प्यार करो, ये कर्म है। इंसान अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है। मतलब भारतवर्ष में, तमाम वर्ल्ड में, जब इंसान का शरीर में लोभ पैदा होगा, इंसानियत जग जाएगा, मानवता गुण आ जाएगा, यहां झगड़ा ही नहीं रहेगा, यहां कष्टजम ही नहीं रहेगा, मानवता बात फैलाता है, मानवता डिग्निटी को दिखाता है, ह्यूमन वैल्यू को बढ़ाता है। सिर्फ ह्यूमन वैल्यू नहीं, ये नेचर में रहने वाले जितने भी जीव जगत है, एनवायरमेंटल लाइफ है, उन्हें भी ये
बचाने के लिए सिखाता है बुद्धिजम ये बताता है, बाबा साहब कहते हैं जिस एनवायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देना, मतलब लो जब हम एनवायरमेंट का एग्निस्ट में जाते हैं ये मानव संबल के लिए विनाश का कारण होता है, बुद्धिज्म ये पढ़ाता है। धरती में आज बुद्धिज्म जरूरत है। ग्रीडी ह्यूमन बींग डिस्ट्रॉय द नेचर एंड सेल्फिश ह्यूमन बींग डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ। ये खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं। बुद्धिज्म कहता है लॉ एंड कर्मा, धरती को संवारना है, नेचर को संवारना है, जो एनवायरमेंट में हम ले रहे रहे वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देना है, प्यार करना है, भाईचारा फैलाना है, जात पात मिटाना है, इक्वालिटी लाना है, फ्रेटर्निटी लाना है। कितना सुंदर है। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर सेकंड कारण से बुद्धिज्म की तरफ झुके। थर्ड कारण क्या है? इट टीच अस समता, आई मीन इक्वालिटी। इस दुनिया का कोई भी धर्म में आपको इक्वालिटी नहीं मिलेगा, सिर्फ बुद्धिज्म ही। ऐसा धर्म है बुद्धिज्म, ऐसा धर्म है ये, धर्म तो नहीं, ये धर्म है, आपको इक्वालिटी सिखाता है। मतलब इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज, ये जो आपको अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, साथी हो, बाबा साहेब अंबेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी एंड पेस्ट किया। ये लोग अंबेडकर को नहीं पढ़े हैं। जो अंबेडकर को पढ़ता है वो बुद्ध को जानता है। बुद्ध से ही कॉन्स्टिट्यूशन आया है। बाबा साहेब अंबेडकर बुद्ध को फॉलो किए हैं। तो थर्ड चीज इक्वालिटी, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बुल में भी होता है, प्रियम्बुल में भी मिलता है, और आर्टिकल 14 में भी बाबा साहेब इक्वालिटी। फैटर्निटी आपको प्रियम्बल में मिलता है, जो कि बाबा साहेब बुद्धिज्म में पाए हैं। इसीलिए बुद्ध धम्म को उन्होंने रिसीव किए हैं। जहां इक्वालिटी आता है वहां कम्युनलिज्म फिनिश है, हैव एंड हैव नॉट फिनिश हो जाता है, रिच एंड पुअर फिनिश हो जाता है, कास्टिज्म फिनिश हो जाता है। देश का तमाम संपदा कोई प्राइवेट हाथ में नहीं जाता है इक्वालिटी में, ये गवर्नमेंट का हाथ में जाता है, जो आर्टिकल 14 में आपको देखने के लिए मिलता है। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर बुद्ध धर्मों को अपनाया। क्या साथियों, आप जान रहे जानते लव कितना पावर है, भाईचारा कितना पावर है, प्रज्ञाशील होना कितना पावर है। जो प्रज्ञा हो जाता है वो तो दुनिया को जान जाता है, अपने बारे में जान जाता है, आने वाला कल क्या होगा उन्हें पता चल जाता है, वो कूल एंड काम हो जाता है। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर ने बुद्धिज्म को रिसीव किया, ये कहते हैं उनका पेज नंबर 515 में, पैराग्राफ 2 में। पैराग्राफ 2 में बाबा साहेब ये भी कहते हैं, दिस इज व्हाट मैन वांट फॉर गुड एंड हैप्पीनेस लाइफ इन दिस अर्थ। इस धरती में इंसान हैप्पीनेस, खुशी जिंदगी जीने के लिए ढूंढ रहा है। आप ढूंढने से नहीं मिलेगा, बाबा साहेब कहते हैं। जो इंसान का पास प्रज्ञा करुणाशील होता है, लव इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी होता है और अंडरस्टैंडिंग का गुण आ जाता है, अपने आप उन्हें खुशी मिल जाता है। खुशी कहीं से ढूंढने से नहीं मिलता,
बाबा साहेब अंबेडकर ये बात कहते हैं, खुशी बुद्ध धर्म में मिलता है। दिस प्रिंसिपल शुड ऑल्सो मेक एन अपील टू द वर्ल्ड। ये जो प्रिंसिपल है बुद्ध का, ये धरती को अपील किया जा रहा है। बाबा साहेब कहते हैं, तमाम धरती में समानता, प्रज्ञा, सी करुणा होना चाहिए, क्योंकि हमारा धरती में, वर्ल्ड में लोग भटक रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है, वो शांति ढूंढ रहे हैं, पीस ढूंढ रहे हैं। कोई सोचता है पैसा ज्यादा मिल जाने से उन्हें पैसा पीस मिल जाएगा, कोई सोचता है मंदिर जाके बैठ जाने से उन्हें पीस मिलेगा, और कोई सोचता है दान दक्षिणा देने से पीस मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। ये दूसरी रिलीजन में होता है पाखंडवाद, लेकिन बुद्धिज्म ये नहीं कहता। आप मंदिर जाके दान देने से पीस नहीं मिलेगा, या आप किसी को चिटिंग करके लाखों करोड़ रुपए ला के घर में रखने से पीस नहीं मिलेगा। आपको तीन चीज जानना है, प्रज्ञा, करुणा, लव, इक्वालिटी, ये देखना है। जब ये समता, कर्मा, प्रज्ञा आता है तो उन्हें अपने आप पीस मिल जाता है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ये बात कहते हैं, नेदर गॉड नॉर सोल कैन सेव अवर सोसाइटी। बाबा साहेब ये भी कहते हैं, मैंने बुद्धिज्म इसीलिए लिया, मैं जान गया, ये भी जान गया। बाबा साहेब कह रहे हैं, कोई भगवान या कोई आत्मा या कोई महात्मा आपको बचा नहीं सकता, और आपका समाज को भी बचा नहीं सकता। कथावाचक लोगों को देख रहे हैं आप, कोरोना महामारी में उनका भगवान कहाँ चला गया है? ये तो प्रज्ञा की तरफ भाग रहे हैं, जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं क्या कोरोना से बचने के लिए कहाँ जाना है। दिन रात बैठकर जो भगवान का कथावाचक कर रहे थे, वो कथावाचक लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं, प्रज्ञा, साइंस को पहचानो, नेचर को पहचानो। साइंस जानता है, वो वैक्सीन लगाता है और आपको मेडिसिन देता है, तब आप कोरोना से बच रहे हैं। उस दिन तक कथावाचक बैठ के कह रहा था, भारत में, सुनिए, आप सुने होंगे, ये तमाम वर्ल्ड उनकी दया से चलता है, उनकी करुणा से चलता है, हमारा हाथ में कुछ नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा हाथ में कुछ नहीं तो उनका दया से चलता है, जाओ ना, गिड़गिड़ाओ मंदिर में बैठकर, वैक्सीन लेने की क्या जरूरत है, वेंटिलेटर खरीदने की क्या जरूरत है। बाबा साहेब और गौतम बुद्ध ये कहते हैं, आपको जानना है कोरोना क्यों आया, डिजीज आपको क्यों आ रहा है, कारण क्या है, उनका निदान ढूंढना है, इसके लिए मेडिसिन खाना है, ये सिखाता है बुद्ध धर्म। लेकिन कथावाचक और आपका उदयर भगवान क्या कहते हैं, उनकी दया से पत्ता नहीं हिलता है, उनका बिना ऑर्डर से पत्ता नहीं हिलता। ऑर्डर करने के लिए बोलिए ना, कोरोना महामारी चले जाएगा। खैर, इस अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहने के लिए बाबा साहेब कहते हैं, नॉर द गॉड नेदर द गॉड नॉर द सोल कैन सेव अवर सोसाइटी। कोई भी हमारा समाज को सुरक्षा दे नहीं सकता, या संग आपका भाषा में, मनुवादियों का भाषा में, भगवान और कोई महात्मा कोई नहीं है। बुद्धिज्म सिखाता है खुद को ही खुद को बचाना है, इसीलिए बाबा साहेब ने बुद्धिज्म को रिसीव किया। बाबा साहेब अंबेडकर क्लेम करते हैं क्या, बुद्धिज्म इज ए कंप्लीट आंसर टू मार्क्स एंड हिज कम्युनिज्म। मार्क्सवाद
और कम्युनिज्म का आंसर सिर्फ बुद्धिज्म है। मार्क्स रशिया में, रूसिया में जो मार्क्सवाद फैला है वो ब्लड रिवोल्यूशन था, लेकिन बुद्धिज्म कहता है इक्वालिटी के बारे में, प्रज्ञा के बारे में, समानता के बारे में, प्रज्ञा के बारे में, कर्म और लाभ के बारे में। जब इक्वालिटी एस्टेब्लिश हो जाता है समाज में, यहां तो गरीब धन धनी गरीब नहीं रहता। इक्वालिटी ये कहता है देश का संपदा कोई प्राइवेट का हाथ पे नहीं रहेगा, जब रहेगा भी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है तो वहां गरीबी और रीच का खाई बिट जाता है। तो मार्क्स और कम्युनिज्म का जोड़ तोड़ रिप्लाई सिर्फ बुद्धिज्म ही देता है, इसीलिए वर्ल्ड को ये रिसीव करना चाहिए, बाबा साहेब अंबेडकर ये कहते हैं। रूसिया को हमने देख चुके हैं, वहां ब्लड आया, ब्लड रिवोल्यूशन हुआ। क्यों? इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। जहां ब्लड रिवोल्यूशन होता है फिर काउंटर रिवोल्यूशन शुरू होता है, लेकिन बुद्धा एंड इस धम्मा ब्लड रिवोल्यूशन को नहीं मानते। ये प्रज्ञाशील करुणा, इक्वालिटी, फटर्निटी, ब्रदरहुड को ज्यादा विश्वास करते, जो चीज आपके संविधान में मिलता है। बड़ी खेद की बात है, ये संविधान चलाने वाले नालायक लोग इनको समझ नहीं पा रहे, इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहे। इसीलिए तो दादा साहेब कांशीराम और बाबा साहेब अंबेडकर कहते थे ये देश का शासन का डोर सूत्रों का हाथ में आना चाहिए, वन बैनर में भारतीयों को आना चाहिए, वन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सूत्रों का होना चाहिए, वन ऑर्गेनाइजेशन सूत्रों का होना चाहिए। और भारतवर्ष में हम लोग हमारा दुख और दर्द को मिटा देंगे। क्या कर पाएंगे? आइए बुद्ध की ओर। हमारा बाबा साहेब बुद्ध की ओर गए थे, मतलब ज्ञान की ओर चलिए। ज्ञान इंसान को लड़ने की ताकत देता है। बुद्ध का लड़ाई ब्लड रिवोल्यूशन नहीं होता, ये धरती को पीस, ट्रैंक्वालिटी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी देता है। बाबा साहेब ये भी यहां कहते हैं द संघ इज ए कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बढ़िया बात कहते, ये संघ है ना, ये कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बुद्ध संघ। मतलब संघ क्या कहता है? सब इक्वल है, देश का प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का हाथ होना चाहिए। संघ का हाथ मतलब भारत एक संघ है। आप जानते होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को संघ बनाया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को राष्ट्र संघ बनाया गया है, फेडरल एंड यूनिटरी स्टेट बनाया गया है। जो आर्टिकल 12 के तहत हमारा राष्ट्र संघ का नाम कहता है, ये कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट कभी भी इंडिविजुअल नहीं होता, स्टेट कते ही कोई इंडिविजुअल लोगों को प्रॉपर्टी का लाइसेंस नहीं देता, जो मोदी जी कर रहे हैं, अंबानी और अडानी को दे रहे हैं। मतलब साथियों, आपको पता है देश का संपदा को प्राइवेट हाथ में सौंपने के लिए हमारा संविधान मना करता है, फिर भी दिया गया है और जा रहा है, क्योंकि हम बुद्ध की ओर नहीं है, हम संविधान को नहीं जानते और हमारा वोट का ताकत को गलत इस्तेमाल करते हैं। खैर, इसीलिए बाबा साहेब ने बुद्ध की ओर गए थे और आपका संविधान में देखने के लिए मिलता है। अनफॉर्चुनेटली
बाबा साहब कहते, थॉट ऑफ बुद्धा इज टीचिंग अस रॉन्गली। आस बुद्ध का थॉट हमारा पास सही से आ नहीं रहा है, इसीलिए जो इंटरप्रिटेट कर रहे हैं बुद्धिज्म के बारे में जो लोग, ये गलत इंटरप्रिटेट कर रहे, गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसीलिए बुद्धिज्म को भारत में लोग कम मानते हैं। ये धरती को संवारता है, ये विश्व में शांति फैलाता है, ये इक्वालिटी की बात कहता है, ये साइंस को मानता है, ये धरती का सबसे पहला साइंटिस्ट कौन है? गौतम बुद्ध है। इसीलिए साथियों आइए आज बुद्ध पूर्णिमा है, चलो बुद्ध की आर, आप सब लोग बुद्ध को सही से जानिए। बुद्ध को जानना मतलब बाबा साहेब अंबेडकर को जानना, बाबा साहेब अंबेडकर को जानना मतलब बुद्ध को जानना। यहां इक्वालिटी है, यहां फ्रेटर्निटी है, यहां देश को संवारने के लिए ताकत है। मरने के बाद सर का बात ये नहीं करता, आत्मा परमात्मा हेल एंड हेवन बात ये नहीं करता, ये धरती को जानने के लिए ताकत देता है, खुद को पहचानने के लिए नॉलेज देता है और भाईचारा फैलाता है। आइए हम सब मिलकर बुद्ध पूर्णिमा में तथागत बुद्ध को याद करते हैं और बाबा साहेब का बताया हुआ मार्ग पालन करते हैं। चलिए संघ को बचाइए, भारत संघ को बचाइए, आपका हाथ में है, बाबा साहेब पुकार रहे हैं आपको। उनका 333 पेज वॉल्यूम नंबर 17 में पार्ट थर्ड में बाबा साहेब कह रहे हैं, आइए भारत को बचाइए, आइए वन ऑर्गेनाइजेशन का अंदर में आ जाइए, आइए वन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का अंडर में रह के बहुजनों का काम कीजिए और भारत का संघ को बचाइए। साथियों ये वीडियो कैसे लगा आपका कमेंट को मैं इंतजार करता हूं, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे ताकत देता है। आप जो कमेंट लिखते हैं उन्हें पढ़ के नया और कुछ करने के लिए उमंग आता है। आप लोग इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।